नमस्कार दोस्तों, मैं अमित डांडा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग लीडर इंडिया के एक नई वीडियो में। आपको PDFA मेले की कुछ तैयारियां दिखा रहे हैं जी। यहां गेट से एंटर होते ही पहले नंबर पे यहां पंजीकरण रजिस्ट्रेशन यहां पे होता है जी। एक पशु की 1000 रुपये एंट्री फीस है इस बार। पहले 500 होती थी, इस बार 1000 रुपये इन्होंने कर दी। और सिर्फ फीमेल पशु ही आ सकते हैं, मतलब कोई भी बुल नहीं आएगा, छोटा या बड़ा किसी भी ब्रीड का। और ये देखो तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है भाई जी। पशु आने स्टार्ट हो गए, आज 2 तारीख है, आज ही एंट्री है और आज सारे पशु आ जाएंगे। सभी कंपनी वालों ने अपना अपना सेटअप लगाना शुरू कर दिया। ये वेंसन कंपनी जो डेयरी के जो इक्विपमेंट है उनमें डील करती है, उनके ये देखो काफ के लिए पिंजरे, छोटे बच्चों के लिए खान वगैरह। और ये सामने भाई HF गायों का मिल्किंग मुकाबला चल रहा है। मुकाबला जैसे कल से शुरू होगा, अब तो ये अपने अपने भाई यहाँ पे इनको सेट करने के लिए या फिर इनका दूध निकालने का सेटअप यहीं पे है, सबका मशीन यहीं पे लगी हुई है इनकी। ये मेरे ख्याल 2 दांत HF है, छोटी बच्ची है जो 2 दांत है उनकी मिल्किंग अभी चल रही है दोपहर के टाइम वाले, इनकी 3 टाइम मिल्किंग होती है। ये जो शेड है, जैसे मेले में के दूसरे गेट से मेन गेट से जो दूसरा गेट है जो पुलिस चौकी के पास वाला, उसके साथ वाला ही शेड है। इसमें भैंसों की मिल्किंग का कंपटीशन इसमें होगा जी। कल शाम को 3 तारीख शाम को 6 बजे दूध निकालना शुरू हो जाएगा। और भाई जैसे ये मिल्किंग वाला साइड है, इसके जस्ट पिछले साइड में अपने पशु बंधे हुए हैं। जो पुलिस चौकी है उसके बिल्कुल बैक साइड में ये जो दूसरे नंबर का साइड है, इसमें ये इस साइड में ये तंबू अपना ही है, इसमें अपने पशु बंधे हुए हैं। थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दूँ आपको। ये दोपहर को भाई सारी धूप में बैठे आराम कर रही है। वैसे ये रेशमा, पद्मावती और एक ये भाई, सभी अपना तंबू, सभीों ने अपना सेटअप जमाना शुरू कर दिया। ये गाय वाले हैं, ये यहाँ पे अपने अपने पशुओं को खुला ही रखते हैं, मोस्टली फार्म वाली फीलिंग इनको देते हैं। ये जो बिना दूध वाले पशु है उनके लिए छोटी स्टोरी लगी हुई है, इनको टेंट है जो इनको स्टोरी बोलते हैं। और जो बड़ी स्टोरी है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, वो दूध वाली भैंसों के लिए होती है, क्योंकि भाई उनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, ताम झाम ज़्यादा जोड़ के चलना पड़ता है। और जो इस लाइन में सामने जो ये बड़ी स्टोरी आप देख पा रहे हो ये, और आगे इस लाइन में दूर तक ये सारी दूध वाली भैंसों के लिए स्टोरी लगी हुई है जी। सभी टाइप के पशुओं की एंट्री आज हो जाएगी फाइनल, और आज एंट्री करने के बाद ये सारा भाई इनको निकलने देंगे 5 तारीख को। इस बीच इनके सारे कंपटीशन होंगे, जो दूध चुवाई का मुकाबला है वो 3 तारीख यानी कल शाम को 6 बजे शुरू होगा। कल शाम को 6 बजे खाली होंगी, उसके बाद 4 की दोनों टाइम की मिल्किंग और 5 की सुबह की मिल्किंग फाइनल हो जाएगी जी।